मान लो कभी ना कभी तो आपने सोचा ही होगा कि आप जो अपना फेवरेट एनिमे देखते हो उसको बनाने में क्या क्या लगता होगा और इतना शानदार कैसे बनता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि एनिमे ऑर्गेनाइज्ड वे में और एक शेड्यूल के हिसाब से बनता है, बिल्कुल दूसरे जापान के कामों के, लेकिन ये दूसरे काम जैसा आसान नहीं है, ये काम बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आज मैं डिटेल में बताऊंगा हाउ एनिमे इज मेड। तो एक एनिमे एपिसोड को बनाने के लिए तीन स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला प्री-प्रोडक्शन। प्री-प्रोडक्शन एनिमे एपिसोड के बनने से पहले होती है। फर्स्ट स्टेप आता है प्रेजेंटिंग एंड अप्रूविंग द आइडिया। तो एनिमे एपिसोड वैसे तो मांगा या लाइट नॉवल से अडैप्ट किया जाता है, लेकिन ओरिजिनल एनिमे स्क्रिप्ट भी एनिमे में बदली जा सकती है। प्री-प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन कंपनी को अपना आइडिया प्रेजेंट करना पड़ता है, जैसे एनिप्लेक्स जो ब्रॉडकास्टिंग और प्रोडक्शन के लिए एक्सपेंसेस पे करेंगी और स्पॉन्सर भी ढूंढेंगी जो थोड़ी और हेल्प करेगी, लेकिन पब्लिशर को भी अपनी तरफ से थोड़ा सा पे करना पड़ता है। फिर एनिमेशन स्टूडियो जैसे स्टूडियो विट और मापा आपके प्रोजेक्ट को देखकर उसको बनाने के लिए अप्रूवल देंगे, लेकिन अप्रूवल डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतना ही ज्यादा टाइम और एनिमे ओरिजिनल स्क्रिप्ट को और भी ज्यादा टाइम लगता है। फिर अप्रूवल के स्टूडियो स्टाफ चूज करेंगे, जिनमें से कुछ स्टूडियो के फुल टाइम वर्कर्स होंगे और कुछ को हायर किया जाता है, जिनमें आते हैं पब्लिशर जो कि कैरेक्टर डायलॉग लिखे, स्टोरी प्लॉट, कैरेक्टर डेवलपमेंट और अलग एक्शंस पर काम करेगा। इनको राइटर्स की टीम भी दी जाती है जो ज्यादातर काम करेगी। फिर प्रोड्यूसर जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन कंपनी के लिए काम करती है, जो उन सीन्स को ढूंढेगा जो अडेप्ट करने लायक है, प्रोजेक्ट के प्रमोशन और फाइनेंसिंग को भी हैंडल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, तभी इसको हर मीटिंग में रखा जाता है। फिर डायरेक्टर मेन बॉस होते हैं जो प्रोडक्शन के हर स्टेज पर होता है, जिसके बिना कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेते। फिर एपिसोड डायरेक्टर, डायरेक्टर मदर है तो एपिसोड डायरेक्टर मेन है, ये सिर्फ एक एपिसोड के लिए है जो कि डायरेक्टर के साथ वर्क करता है। फिर आर्ट डायरेक्टर जो कुछ जगहों पर फोटोग्राफी डायरेक्ट बोले जाते हैं, एनिमे बैकग्राउंड बनाने में मदद करता है, ये बैकग्राउंड आर्टिस्ट के साथ काम करता है, जिस लाइटनिंग कलर शेडो और सेट करने में मदद करता है। एक एग्जांपल ही ले लेते हैं गार्ड ऑफ वर्ड्स का बैकग्राउंड। फिर लेआउट डायरेक्टर जो कि सीन में कैरेक्टर्स को सेट करता है, यही बताता है कि कौन से एंगल से सीन शॉट और पूरा सीन कैसे दिखेगा, सीधे सीधे एनिमे सिनेमेटोग्राफर। फिर एनिमेशन डायरेक्टर जो कि सभी एनिमेटर्स के हेड होते हैं, जो कि एनिमेशन प्रॉब्लम ढूंढते हैं जिससे एनिमेशन स्मूथ बनता है, लेकिन ये जॉब भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि उन्हें हर एक फ्रेम को देखना पड़ता है और अगर कोई भी छोटी सी गलती निकली तो सारा ब्लेम उन्हें जाता है। फिर कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर जो कि कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करता है, ये देखता है कि अलग अलग एनवायरनमेंट में करेक्टर्स कैसे दिखेंगे। ये जॉब भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये चीफ एनिमेशन डायरेक्टर्स भी बन जाते हैं। और सबसे मेन पॉइंट यही डिसाइड करते हैं कि आपका फेवरेट करेक्टर और उनके और मूव्स कैसे दिखेंगे। फिर की एनिमेटर्स की फ्रेम्स को ड्रॉ करते हैं, जिसमें पोजेस, अलग अलग मूवमेंट्स और करेक्टर के इमोशंस आते हैं, ये एनिमेशन को और डिटेल बनाते हैं। की एनिमेटर्स के नंबर डिपेंड करते हैं एपिसोड में होने वाले इवेंट्स पर, जैसे माहिरो अकेडमी का डेको वर्स ओवरऑल का। फिर इन बिटवीन एनिमेटर्स जो इन बिटवीन की फ्रेम्स को ड्रॉ करते हैं, हर एनिमे में हर सेकंड के लिए 24 फ्रेम्स बनते हैं और यही इन बिटवीन फ्रेम्स, और ये एनिमेट इन फ्रेम्स से एनिमेशन को और स्मूथ बनाते हैं, लेकिन इनकी सैलरी बहुत कम होती है और एनिमेशन करियर में ये एक छोटा सा स्टेप होता है, इसलिए ये ज़्यादातर हायर्ड होता है कलर आर्टिस्ट जो कलर करते हैं उन फ्रेम में जो कि इन बिटवीन एनिमेटर्स बनाते हैं, और ये सब डिजिटली किया जाता है। ये सब हमेशा आर्ट डायरेक्टर के साथ कनेक्टेड रहते हैं ताकि सब अच्छे से हो जाए और कोई भी कलर गलत जगह पर ना हो। कोई भी नहीं चाहता कि उनके फेवरेट टाइटन्स नहीं दिखे। और फिर लास्ट में रिकॉर्डिंग डायरेक्टर जो कि एपिसोड के साउंड, म्यूजिक और वॉइस एक्टिंग को हैंडल करते हैं, और जो डायलॉग इतना पसंद किया गया है कोई नहीं चाहता कि वो ऐसा साउंड करे। आखिरकार अब अप्रूवल मिलने के बाद, स्टाफ चूज करने के बाद प्री प्रोडक्शन खत्म होती है और टाइम आता है मेन प्रोडक्शन, लेकिन वो अगले पार्ट के लिए जो कुछ दिनों में ही आ जाएगा। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।